वापस मिला आपको? नहीं, सारा घर वहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा है, तुम यहाँ अकेले नीचे बैठकर। इन 5 सालों में हमने जो कुछ भी सीखा है, हम चाहते हैं कि उसी तरह जिंदगी गुजारे। अब देखिए, आपको, अम्मी को, मलीनों को, सबको आदत है डाइनिंग टेबल पर खाने की, हमें भी थी, मगर हम चाहते हैं कि अब जमीन पर बैठ के खाएं। यही सुन्नत तरीका है। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे अबू, गुस्ताखी माफ, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जरूर। अबू, 3 तलाक पे इतना हंगामा हो चुका है, पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, मगर आपके शरिया बोर्ड ने एक बयान जारी करने के सिवा और कुछ नहीं किया। क्या यार जारा, इतना कुछ हो गया यहाँ पे और तूने कुछ भी नहीं कहा। आंटी ने तेरे कपड़े जला दिए, चादर जला दी और तू चुपचाप बैठकर देखते रह गई। हम और कर भी क्या सकते थे, रास्ते पे हम पर क्या क्या गुजरा वो बता देती, किस तरह से हम उस राइड से भागकर निकल पाए वो बता देती। तू बुर्का पहन के वहाँ से निकली थी और हमारी जान बचाने के लिए तूने बुर्का हमें दे दिया था। नहीं रीमा, उस वक्त माहौल ही कुछ और था। अगर हम अम्मा से कुछ बोलते ना तो उल्टा डांट हमें ही पड़ती कि ऐसे माहौल में हॉस्टल से क्यों निकली, ट्रक में क्यों बैठी, अब्बा को फोन क्यों नहीं किया और अम्मा के 1000 सवाल, और फिर परेशान होके रोने लग जाती। अगर कुछ भी कहो, हमारी अम्मा हमें कितना भी डांटे, हमसे प्यार बहुत करती है। अब्बा, दंगों से तुम्हारी माँ को डर लगता है, और तुमने बहुत अच्छा किया जो रास्ते की कहानी अपनी अम्मा से छुपा ली, वरना वो बहुत परेशान होती। मगर बेटा, तुम दोनों को हमें तो फोन करना चाहिए था ना। अब्बा, हम इतना घबरा गए थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फिर ट्रेन में बैठने के बाद लगा कि अब क्या परेशान करें आपको। हालात कितने भी खराब हों, मगर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम लखनऊ के शहर काजी की बेटी हो। शरिया बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, इस शहर के शहर काजी, काजी इरफान सिद्दीकी, इस कौम की भलाई के लिए कोई भी सख्त फैसला लेने से हमेशा हमेशा डरते हैं। इस परेशानी का कोई तो हल होगा। हल है, जल्द तैयार हो जाओ, हम तुम्हें कहीं ले जाना चाहते हैं। अबू, वो कशान भाई ने कहा था कि आउटलेट देखने के लिए मॉल जाना था, तो उन्हें कहना बाद में, इस वक्त तुम हमारे साथ चलो। बिल्कुल अबू। इस जगह को पहचानते हो तुम? कभी मजाक करे आप अबू, 5 साल पहले तक हमने ईद और बकरीद की नमाज यहीं आपके और कशन भाई के साथ अदा की थी। पर अबू, आज ना ईद है ना बकरीद है, तो हम यहाँ क्यों आए? एक सवाल किया था ना तुमने मुझसे कि लोकसभा में 3 तलाक का बिल पास हो गया, मगर शरिया बोर्ड ने उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई। जी, पूछा था। उसका जवाब देता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ इस जगह पर बैठकर जो जो शख्स ईद की नमाज की रहनुमाई करता है, जिसके पीछे बैठकर सारा शहर नमाज पढ़ता है, लखनऊ का शहर काजी, दरअसल वो एक बहुत कमजोर इंसान है बेटा। हमारी कौम की खैरियत के लिए वो कोई भी सख्त फैसला ले ही नहीं पाता है। ये 3 तलाक का मुद्दा, अगर उसी की जगह कोई और शख्स होता ना, तो अब तक ये मुद्दा सड़कों तक पहुंच गया होता। क्या मतलब? तुम्हें पता है हमने तुम्हें मौलवियत क्यों पढ़वाई? ये आप बेहतर जानते हैं। आज जहां हम खड़े हैं ना, जिस मुकाम तक हम पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने में हमें बहुत मेहनत लगी है, और आज हमारे पास सब कुछ है, मगर वो एक चीज नहीं है जो एक शहर काजी के पास होती है, वो इज्जत, वो एहतराम, वो नहीं है हमारे पास। और हम चाहते हैं कि तुम हमारा वो ख्वाब पूरा करो बेटा। हम चाहते हैं कि तुम इस कौम के लीडर बनो, तुम बनो लखनऊ के शहर काजी। बता बेटा, क्या तुम अपने सब्बू का ख्वाब पूरा करोगे? क्या तुम हमें वो इज्जत, वो एहतराम ला के दोगे जिसकी हमें इतनी बेसब्री से चाह है? जी अब्बू, आपका ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। वैसे भी इस कौम को रोशनी की जरूरत है। जरूर पूरा होगा।
आज तरस आता है उस लड़की पर जो आने वाले कल में आपकी बीवी बनेगी। कलर कितना प्यारा है ना, बस स्लीवलेस नहीं होता ना तो मजा ही आ जाता। एक रुक, कितना अच्छा तो है और तुझ पे तो परफेक्ट लगेगा। एक बार ट्राई कर, तू मरवाएगी क्या? कल घर पे सारा हंगामा कपड़ों और पर्दे को लेकर हुआ था, तू नया मुकदमा खड़ा करवा, रख इसे। सुन तो मेरी बात, कोई मुकदमा खड़ा नहीं होगा। अब पहन के तो देखना है, मुझे दिखाना है, यहाँ पे और कोई नहीं है। काजी की बेटी नहीं होती ना तो मैं तुझे पूरे लखनऊ में यही गाउन पहनाकर 3 चक्कर लगवाती। मतलब सोच, अभी ना बात से 4 बार तक सारे के सारे लड़के बेहोश पड़े रहते और हमारी अम्मा ना तुझे गोली मार देती। Excuse me. ये क्या बदतमीजी है? निकल 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 निकल। रीमा, रीमा इनके पीछे भाग, हमारी फोटो वायरल कर देंगे। जल्दी। क्या सही माल है भाई? अरे ओए, तुम्हारे अंदर लाश शर्म कुछ नहीं है क्या? मतलब शरीफ लड़की देखी नहीं कि फोटो खींचना शुरू कर दिया तुमने? पता भी है वो कौन है? फोटो डिलीट कर। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि क्या माल है तुम्हारी दोस्त, पर ऐसे माल का फोटो डिलीट नहीं किया जाता, बल्कि चूमा जाता है। खामोश बैठी रहेगी? लखनऊ में चले ना चले, लेकिन इस जगह पर हमारा ही राज चलता है मैडम। और वैसे भी अभी आपकी इज्जत उतरी कहाँ है? अब उतरेगी, क्योंकि पैसा हो या मार, हम किसी का उधार नहीं रखते। मर्द होके औरत पे हाथ उठाते हो? अरे बशीर, जरा देख तो मैडम को, अपने साथ बॉडीगार्ड लेके आई है, अब हमारा क्या होगा? बशीर, उसके फोन में हमारा फोटो है।
से तो बदतमीज इंसान कहां है फोन फोन कहां बेगैरत इंसान अगली बार किसी भी लड़की को तंग मत करना समझ गया चिंता मत कीजिए फोटोज डिलीट हो चुके हैं अब सुनिए आप हमें थैंक यू कहने का मौका नहीं देंगे एक कॉफी माफ करिएगा हमें जाना है आप लोग बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि बिना किसी जायज वजह के इनविटेशन को ठुकराना नहीं चाहिए